बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं हूं वसीम और मैं आप सबको अपने चैनल पे और अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड व्हाइटिंग क्रीम शेयर करने जा रहा हूं, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनने वाली होममेड क्रीम जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बल्कि अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत फार्मूला क्रीम्स की वजह से डैमेज हो चुकी है तो इंशाल्लाह ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगा। अगर आपकी स्किन का लेवल मतलब ज़्यादा स्किन डैमेज है तो फिर ये आप लोगों को हेल्प नहीं कर सकेगी। मैं आप लोगों के साथ झूठ नहीं बोलता। तो अगर आपकी स्किन थोड़ी बहुत डैमेज है, स्किन पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हुई है फार्मूला क्रीम्स की वजह से, या ऐसी क्रीम जिनमें मर्करी और स्टेराइड होती है, वो क्रीम्स यूज़ करने की वजह से स्किन पर थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह उसके साथ डील करेगा। अगर ज़्यादा लेवल पर है तो फिर ये हेल्प नहीं करेगी। सेकेंड, जिनकी स्किन वर्जन है, जिनकी स्किन पे अभी तक कोई उन्होंने फार्मूला क्रीम या ऐसी क्रीम जिसमें मर्करी और स्टेराइड हो, उन्होंने ऐसी क्रीम यूज़ नहीं की, तो उनके लिए ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त साबित हो सकती है। ये क्रीम उनकी स्किन पे वाइटिंग तो लेके आएगी, मतलब स्किन को आहिस्ता आहिस्ता ब्राइट करना शुरू कर देगी, लेकिन साथ में स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम्स है लाइक एक्नी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ भी ये फाइट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि ये क्रीम कैसे बनेगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि ये आप किन प्रोडक्ट से इस क्रीम को बना सकते हो। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एज यूजुअल आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे आने वाले जो नए व्यूअर्स हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाजमी पूरा देखा करो और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस करो ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारी ये वाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए जिसको आप डे और नाइट कभी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर सूरज में जा रहे हो तो फिर आप इसको यूज़ ना करना बेस्ट है। अच्छा, पहला जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है तिब्बत क्रीम। तिब्बत क्रीम आपके पास नहीं है तो आप फेयर लवली यूज़ कर सकते हो, गार्नियर लाइट यूज़ कर सकते हो, पॉन्ड वाइज वाइट ब्यूटी भी यूज़ कर सकते हो। मैं आप लोगों को ऑप्शन साथ में देता रहूँगा, ठीक है? तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ तिब्बत क्रीम। अगर आपकी स्किन वर्जन है तो फिर आप तिब्बत क्रीम ही यूज़ कर लो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट इंशाल्लाह मिलेगा, ठीक है? मैं तो यहाँ पे कोई तकरीबन आधा चम्मच के बराबर तिब्बत क्रीम इसमें ऐड करने जा रहा हूँ। गोल्डन पर्ल की जो लाइट एंड ग्लो क्रीम है वो ले लिया, ठीक है? मुझे पता ही नहीं था कि मेरी वो ख़त्म हो चुकी है, तो इसमें आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो तिब्बत नहीं है मेरे पास तो मैंने ये लाइट एंड ग्लो यूज़ कर लिया। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें यूज़ करने जा रहा हूँ दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। ये हमारी स्किन को जवान और खूबसूरत रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को सुथिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारी स्किन को काफ़ी ज़्यादा बेबी स्किन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये है मेरे पास इसका एलोवेरा जेल, ठीक है? तकरीबन एक चम्मच एलोवेरा जेल। अब इसमें मैं आपको एक ऑप्शन देने लगा हूँ, आप इसमें ऐड कर सकते हो। अगर आपकी स्किन फार्मूला क्रीम्स की वजह से डैमेज है तो देन यू गाइस विल ऐड विटामिन ई कैप्सूल। अगर आपकी स्किन डैमेज नहीं है तो देन यू गाइस विल ऐड वाइटनिंग कैप्सूल। तो इसमें मैं वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करने जा रहा हूँ एक। अच्छा, मैंने आपको बता दिया है अगर आपकी स्किन डैमेज है तो फिर आप यूज़ करोगे इसमें, मैंने आपको बता दिया है कि विटामिन ई, और साथ में आप फिर ग्लाइसरीन भी ऐड कर सकते हो। अगर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई किस्म की है विंटर में, समर में सॉरी, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसरीन। ग्लाइसरीन यूज़ कर लेंगे तो उनकी स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि अगर वो तिब्बत यूज़ कर रहे हैं तो वो स्किन को ऑलरेडी ड्राई करती है, तो फिर आप लोग उसमें मस्ट ऐड करना ग्लाइसरीन। लेकिन मैंने ग्लाइसरीन ऐड नहीं की। तो ये बन गई है हमारी ज़बरदस्त किस्म की ये नाइट क्रीम और डे क्रीम, जब आप चाहो बना सकते हो। 11 दिन बाद या 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, अपनी क्वांटिटी उतनी कर बनानी है कि जितने आपके ये दिन गुजर जाए। ये देख सकते हो मैंने ये इतनी सी बना के रख लिया, कुछ इस तरह की इसकी क्वांटिटी बनी है और सॉरी कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इसको मैं किस में डालूंगा, मैं इसी जार में इसको डाल के रखूंगा, ठीक है? बद के जार में इसको डाल के रखूंगा। अच्छा, स्टोर इसको 10 दिन तक कर सकते हो, लड़की लड़का हर कोई लगा सकता है। एक्नी प्रोन स्किन पे भी लगा सकते हो आप, आपकी एक्नी है अगर उसके ऊपर डायरेक्ट लगा के सो जाओगे तो आपकी एक्नी एक रात में आप लोग देखोगे फेड होना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, ये 10 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, हर कोई इसको यूज़ कर सकता है। अगर आप 20+ हो, सॉरी 16+ हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये आपको गोरा चिट्टा नहीं करेगा, फेयरनेस लेके आएगी आपकी स्किन पे। मैं आप लोगों के साथ झूठे दावे नहीं करता। तो आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।